गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का प्रश्नावली 2.3 चल रहा है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया है। इसमें क्या भाग देने पर शेष फल ज्ञात करना है, 1-2 तक हो गया। तीसरा करना है, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x के बाद 3 प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो भाग देने का तरीका है और दूसरा इसको 0 के बराबर रखकर x का मान रखने पर यदि इसका मान 0 आ जाए तो गुणनखंड है या नहीं। आओ दोनों तरीके देखते हैं। जैसे भाग कर रहे हैं हम, 7x 7 प्लस 3x को 3x प्लस 7 लिख लिया हमने। यहाँ 3x की घात 3 है, 3x है तो एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर से गुणा करी तो ये आ गया और इसमें करी तो 7x स्क्वायर गए, माइनस ही माइनस ये कट गया तो माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 7x। तो हम माइनस का 7/3x से गुणा करने पर हमें 7x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 49/3 आ गया। तो ये प्लस हो गया, माइनस ये तो कट गया। अब इसमें से ये भी प्लस का और ये भी प्लस का तो दोनों को जोड़ लिया, एलसीएम लेकर जोड़ लिया, 3 7 21 21 में ये 49 जोड़े हैं तो 70/30 एक्स आ गया। यू मतलब शेषफल जो 0 के बराबर नहीं आया। अब चूंकि शेषफल 0 नहीं आता, 7 प्लस 3x दिए गए बहुपद इतने का गुणनखंड नहीं है। यह दूसरा मेथड ये है, पी एक्स बराबर इतना है और क्यू एक्स बराबर इतना। तो पी एक्स का जो मान है 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा -7/3। अब 7/3 माइनस का जो है बहुपद में रखेंगे, बहुपद में रख दिया हमने तो ये आ गया। ये सॉल्व करने पर माइनस का इतना तो 9 एलसीएम आ गया, घटाने पर ये 9 है ठीक है भाई, 9 तो इतने में से इतना घटाया तो 196। ये भी नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, अतः इतना दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बार बार करना। थैंक यू।